हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग मैजिक स्क्वायर जनरेट करना सीखेंगे। और मैजिक स्क्वायर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप लोगों ने कई बार अपने न्यूज़पेपर्स पे देखा होगा, हिंदी न्यूज़पेपर में स्पेशली एक स्क्वायर आता है, उसमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं और उनको उनमें कुछ फिल करना होता है हमें, कुछ नंबर्स, जैसे कि रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगनल वाइज नंबर्स जब हम काउंट करते हैं तो उनका सम सेम आता है। तो एक छोटा सा मैजिक स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिफॉल्ट मैजिक स्क्वायर बना दे रहा हूँ, एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस मैजिक स्क्वायर को हम लोग किस तरह से जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास ये एक मैजिक स्क्वायर है, तो इस मैजिक स्क्वायर में अगर आप रो वाइज सम कीजिए, किसी भी रो का सम कीजिएगा तो ये 15 आएगा, किसी भी कॉलम का भी अगर आप सम करेंगे तो 15 आएगा, और किसी डायगनल का भी आप सम करेंगे तो 15 आएगा। तो इस तरह का कोई मैजिक स्क्वायर अगर आपको जनरेट करना हो तो आप कैसे जनरेट करेंगे, मैं आज आपको यही बताऊंगा इस लेक्चर में। तो लेट से कि मेरे पास एक 5x5 का छोटा सा स्क्वायर है, और इस 5x5 स्क्वायर में मुझे एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। एक चीज यहाँ पे नोट करने की है कि जो मैजिक स्क्वायर हमारा बनेगा वो हमेशा ऑड वाला स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब है कि 5x5 का मैजिक स्क्वायर बन सकता है, 3x3 का मैजिक स्क्वायर बन सकता है, 7x7 का मैजिक स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 4x4 का मैजिक स्क्वायर नहीं बनेगा। मान लीजिए कि मुझे इस 5x5 में एक मैजिक स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ रोज एंड कॉलम नंबर्स, क्योंकि हम इसको कोड करेंगे इसलिए हमने 0 से लिया इसको। और पहला नंबर जो हम प्लेस करते हैं वो फर्स्ट रो के मिड कॉलम में 1 वैल्यू हम डाल देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि करंट रो में जहां पे भी आप हैं उससे आपको एक कॉलम आगे जाना है और एक रो पीछे जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास जो करंट रो नंबर है वो है 0 और करंट कॉलम नंबर है आपके पास 2। करना क्या है आपको कि इससे रो और कॉलम को आपको अपडेट करना है, तो रो को आपको पीछे करना है, रो -1 हो जाएगी, और कॉलम को आपको इंक्रीज करना है, मतलब कॉलम नंबर 3 हो जाएगा। अब चूंकि रो नंबर -3 एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे कि रो नंबर -1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए मान लेंगे कि हमें लास्ट रो में चले जाना है। तो लास्ट रो हमारी कौन सी होगी, n-1, अगर n इज द साइज ऑफ द एरे या n x n इज द साइज ऑफ द एरे, और इस केस में हम फोर्थ नंबर कॉलम में चले जाएंगे। तो हमने क्या किया कि -1 की जगह हम फोर्थ कॉलम में चले गए, तो कॉलम नंबर 4, सॉरी रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 3 में, रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 3 में एक नंबर को प्लेस कर देते हैं, दैट इज 2। तो अगर आपने सब पहले 1 नंबर को प्लेस किया था तो अब यहाँ पे आप 2 नंबर को प्लेस करेंगे। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि एक रो पीछे जाना है, मतलब रो नंबर 3 हो जाएगा, और एक कॉलम आगे जाना है, तो 3 4 3 4 मतलब ये वाला सेल हो गया, तो इसमें आपने 3 नंबर को प्लेस कर दिया। इसके बाद अगेन आप देखिए कि आपको एक कॉलम आगे जाना है और एक रो पीछे जाना है, तो ये इस सेल को रेफर करेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये कॉलम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हम वापस चले जाएंगे 0 नंबर कॉलम में। तो हमारे पास दो रूल्स हो गए एक्सेप्शंस को डील करने के लिए, कि अगर रो को माइनस करने से रो नेगेटिव में चली जाती है तो हमें लास्ट रो में चले आना है, और अगर कॉलम को इंक्रीज करने से लास्ट कॉलम को क्रॉस कर जाता है, मतलब एन साइज अगर है n-1 तक ही वैलिड हमारे कॉलम्स होंगे और हमारा जो कॉलम नंबर है वो एन हो जाता है, तो उस केस में हम 0 नंबर कॉलम में आ जाएंगे। तो 0 नंबर कॉलम में आना है हमें, तो सबसे पहले अभी हम इसमें अपडेट करके देखते हैं कि रो को माइनस करेंगे तो रो नंबर 2 हो जाएगा, कॉलम को अपडेट करेंगे तो कॉलम नंबर 5 हो जाएगा, लेकिन 5 कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम 0 नंबर कॉलम में चले जाएंगे। तो 2 और 0 नंबर, मतलब 2 रो और 0 नंबर कॉलम में नंबर 4 को प्लेस कर देंगे। वंस अगेन एक कॉलम आगे जाना है और एक रो पीछे जाना है, आप यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ 5 रख दीजिए, फिर एक कॉलम आगे जाना है एक रो पीछे जाना है, चूंकि ऑलरेडी इस पोजीशन पे 1 है या पहले से नंबर रखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे कि वापस आते हैं उसी लोकेशन पे जहां से हमने स्टार्ट किया था और इसके ठीक नीचे एक नंबर प्लेस कर देते हैं 6। तो अभी ये हमने क्या किया, ध्यान से देखिए कि जब हमने 5 के साथ हम डील कर रहे थे तो हमारा रो नंबर 1 था और कॉलम नंबर भी 1 था, जब हमने अपडेट किया तो कॉलम एक इंक्रीज किया, कॉलम नंबर हमारा हो गया 2, रो को एक डिक्रीज किया, रो नंबर हो गया 0। 0 2 पे ऑलरेडी एक नंबर प्लेस था इसलिए हम वापस आ गए
उसी रो कॉलम में जहां से हमने स्टार्ट किया था, मतलब वन वन में, और उसके बाद फिर वन वन से सिंपली रो नंबर को हमने इंक्रीज कर दिया, रो को वन की जगह टू कर दिया, और टू वन पोजिशन पे हमने सिक्स नंबर को प्लेस कर दिया। तो इसको अगर हम एक वर्ड्स में समझे कि हमने क्या किया है, कि अगर हमने रो और कॉलम को अपग्रेड करने से उस पोजिशन पे ऑलरेडी नंबर पड़ा हुआ है, तो हम वापस आते हैं और नीचे वाली रो में चले जाते हैं सेम कॉलम में, और वहां पे नंबर प्लेस कर देते हैं। वंस अगेन, आपको सिक्स सेवन प्लेस करना है, तो आप सेवन कैसे प्लेस करेंगे? एक रो आगे जाना है, एक रो एक कॉलम पीछे, सॉरी एक कॉलम आगे जाना है और एक रो पीछे, तो सेवन यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर एक कॉलम आगे एक रो पीछे एट प्लेस कर देंगे यहाँ पे, एक कॉलम आगे और एक रो पीछे। जैसे आप रो पीछे करेंगे, रो माइनस वन हो जाएगा, तो आपको लास्ट रो में आना है सेम कॉलम में और यहाँ पे नाइन वैल्यू प्लेस कर देंगे। फिर एक कॉलम आगे एक रो पीछे, ये इनवैलिड कॉलम है, तो आपको जीरो नंबर कॉलम में आना है और टेन वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर एक कॉलम आगे एक रो पीछे, इस पोजीशन पे ऑलरेडी सिक्स नंबर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर पहले से था उसके नीचे, ठीक नीचे हम नंबर प्लेस कर देंगे। मतलब क्या है कि हम डील कर रहे थे टेन को, या टेन से स्टार्ट किया था, एक कॉलम आगे गए थे एक रो पीछे गए थे, यहाँ नंबर ऑलरेडी पड़ा था, तो हम वापस आते हैं टेन पे और टेन के नीचे एक नंबर इलेवन को प्लेस कर देते हैं। फिर से एक कॉलम आगे एक रो पीछे ट्वेल्व, एक कॉलम आगे एक रो पीछे थर्टीन, एक कॉलम आगे एक रो पीछे फोर्टीन, एक कॉलम आगे एक रो पीछे यहाँ फिफ्टीन, एंड उसके बाद फिर जब आप एक कॉलम आगे जाएंगे तो ये इनवैलिड कॉलम है, और जब आप एक रो पीछे जाएंगे तो ये इनवैलिड रो भी हो गया। तो इनवैलिड रो के केस में आप क्या करते हैं, अभी जो करंट कंडीशन है रो एंड कॉलम के, हम नोट कर लेते हैं। दिस इज जीरो फोर, जब आप एक रो पीछे जाएंगे तो माइनस वन नंबर रो हो जाएगी, एक कॉलम आगे जाएंगे तो ये फाइव हो जाएगा। तो आपको दोनों को अपडेट करना पड़ेगा, माइनस वन की जगह आप चले जाएंगे एन माइनस वन में, मतलब कि फोर नंबर रो में चले जाएंगे। कॉलम चूंकि एक्सीड कर गया है लिमिट को, इससे कॉलम नंबर जीरो आ जाएंगे, तो आपको फोर जीरो पे वैल्यू देखनी है। देखिए कि फोर और जीरो पे इलेवन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा कि वापस जाना पड़ेगा जहां से आपने स्टार्ट किया था, मतलब फिफ्टीन के पास, और फिफ्टीन के ठीक नीचे एक नंबर सिक्सटीन को इंसर्ट कर देते हैं। फिर से एक कॉलम आगे एक रो पीछे, ये वैलिड रो नहीं है, तो आप वैलिड कॉलम नहीं है, कॉलम नंबर जीरो में आ जाइए, सेम नंबर रो में यहाँ पे सेवनटीन को प्लेस कर दीजिए। एक कॉलम आगे एक रो पीछे, ये वैलिड रो नहीं है, तो जीरो रो नंबर फोर पे आ जाइए, एटीन प्लेस कर दीजिए। एक कॉलम आगे एक रो पीछे नाइनटीन, एक कॉलम आगे एक रो पीछे ट्वेंटी, एक कॉलम आगे एक रो पीछे, ऑलरेडी सिक्सटीन नंबर यहाँ पड़ा हुआ है, वापस आइए ट्वेंटी के पास और ट्वेंटी के ठीक नीचे ट्वेंटी वन को इंसर्ट कर दीजिए। फिर एक कॉलम आगे एक रो पीछे यहाँ पे ट्वेंटी टू, एक कॉलम आगे एक रो पीछे, ये वैलिड कॉलम नहीं है, तो जीरो नंबर कॉलम में आ जाइए और यहाँ पे नंबर ट्वेंटी थ्री को प्लेस कर दीजिए। फिर एक कॉलम आगे एक रो पीछे यहाँ पे ट्वेंटी फोर, एक कॉलम आगे और एक रो पीछे, वापस आइए रो नंबर फोर के पास, क्योंकि आप इनवैलिड रो पे लैंड कर गए थे, और यहाँ पे नंबर ट्वेंटी फाइव को इंसर्ट कर दीजिए। तो इसको कोड करने के लिए हम कैसे कोड करेंगे, आई होप ये प्रोसेस तो आप समझ गए हैं। तो हम अपनी तरफ से एक करंट रो और करंट कॉलम डिसाइड कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन हमने कैसे किया था कि फर्स्ट रो के मिड कॉलम में हमने वैल्यू वन को प्लेस कर दिया, तो मान लेते हैं कि एक्स वैल्यू है जिसको हमें प्लेस करना है, इसको इनिशियलाइज हमने वन कर दिया है, और करंट रो नंबर जीरो और कॉलम नंबर को एन बाई टू से डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइव गिवन है तो फाइव बाई टू, टू कॉलम पे हम वैल्यू को प्लेस करेंगे। अगर एरे का नाम ए है तो जीरो नंबर रो और टू नंबर कॉलम में एक्स को प्लेस कर देंगे, मतलब वन को प्लेस कर देंगे। इसके बाद एक्स को लगातार बढ़ाते रहेंगे, और हम एक काम करते हैं कि टेम्पररी रो और टेम्पररी कॉलम ले लेते हैं, क्योंकि जो वैलिडिटी है नंबर को प्लेस करने की, वो तभी है जबकि वहां पे ऑलरेडी नंबर, या उस सेल में ऑलरेडी नंबर नहीं पड़ा हो। तो अगर अगर ऑलरेडी नंबर पड़ा होगा तो हमें वापस आना पड़ेगा रो और कॉलम के पास जो प्रीवियस था, तो इसलिए हमने टेम्पररी रो और टेम्पररी कॉलम में ही गए, और जो भी अपडेशंस कर रहे हैं हम टीआर और टीसी में कर रहे हैं। अगर टीआर और टीसी को अपडेट करने के बाद, टीआर को कैसे अपडेट करेंगे, रो माइनस माइनस और कॉलम प्लस प्लस, अगर इस टीआर और टीसी प्लेस पे हमारे मैट्रिक्स में एंट्री जीरो है, तो इसका मतलब है कि वहां एक नंबर डाला जा सकता है, लेकिन अगर वहां पर नॉट जीरो है तो वहां वैल्यू नहीं डाला जा सकता। तो मान लीजिए कि नॉट जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि आर और सी जो है उसको अपडेट कैसे करेंगे, रो को अपडेट कर देंगे आर प्लस वन से, कॉलम को सेम रहने देंगे, और एरे के
रो और कॉलम पोजीशन आर और सी, जो अपडेटेड रो कॉलम पोजीशन है वहां पे एक्स को प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर ये जीरो होगा तो क्या करेंगे, जीरो होगा तो एरे के टी सी टी आर और टी सी प्लेस पे नंबर एक्स को इंसर्ट करेंगे और रो को अपडेट कर देंगे टी आर के बराबर और कॉलम को अपडेट कर देंगे टी सी के बराबर। राइट, आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे कि अगर अपडेशन हो सकता है रो और कॉलम में तो अपडेशन कर दीजिए टी आर टी सी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर अपडेशन नहीं हो सकता है तो फिर आप क्या कीजिए, या उस न्यू पोजीशन पे ऑलरेडी नंबर पड़ा हुआ है तो केवल जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हमने 10 की बात की थी, तो 10 10 नंबर के बाद जब हमें 11 को प्लेस करना था तो हमने रो को पीछे किया और कॉलम को आगे किया, तो उससे हम 6 वाली पोजीशन पे पहुंचे जहां पे ऑलरेडी एक नंबर था, तो हम वापस आ जाते हैं इस पोजीशन पे, 10 वाली पोजीशन पे, मतलब आर सी पोजीशन पे, और आर के या 10 के जस्ट नीचे एक नंबर को इंसर्ट कर देते हैं। तो जो 10 का कॉलम है वही 11 का कॉलम है, लेकिन जो 10 का रो है उससे एक बढ़ के रो है 11 का, इसलिए हमने आर प्लस 1 कर दिया लेकिन कॉलम को सेम रहने दिया। तो आप चेक कर सकते हैं आर इक्वल्स टू आर प्लस 1 बट कॉलम रिमेंस द सेम। तो आइए इसको कोड करके देखते हैं, एक छोटा सा कोड मैंने पहले से लिख रखा है, आई होप आपके समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक रैंडम साइज का एरे ले लिया है 20 20, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो कांस्टेंट साइज का ही एरे क्रिएट कर सकते हैं, अनलेस कि हम वेक्टर या मैलॉक फंक्शन का या न्यू का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि कांस्टेंट साइज का एक एरे है जिसको हमने इनिशलाइज कर लिया है, सारे एलिमेंट जीरो कर लिया है, एंड देन उसके बाद एक एन ले लिया जो कि हमें साइज बता रहा है कॉलम का या मैट्रिक्स का साइज बता रहा है। सी को एन बाई टू और आर को जीरो, मतलब कि फर्स्ट रो के मिड कॉलम में हम नंबर को प्लेस करना चाहते हैं, वो नंबर होगा एक्स, और एक्स को हमने इनिशलाइज कर दिया है 1 से। इसके बाद हमने क्या किया कि जब तक मेरा जो एक्स वैल्यू है वो एन इंटू एन के इक्वल नहीं हो जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर बना रहे हैं तो लास्ट नंबर जो हम प्लेस करेंगे वो 25 होगा। इसी तरह से अगर कोई भी एक एन साइज का हमें मैट्रिक्स गिवन होगा एन क्रॉस एन का, तो उसमें लास्ट नंबर एन क्रॉस एन ही होगा। सबसे पहले हमने एक्स को इंक्रीमेंट कर लिया, पहले 1 को हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, अब हमें 2 को प्लेस करना है, जब 2 को प्लेस कर लेंगे तो फिर हम 3 को प्लेस करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। टेम्प्रेरी रो को हमने आर के इक्वल कर लिया, टेम्प्रेरी कॉलम को हमने सी के इक्वल कर लिया, देन उसके बाद एक रो पीछे गए एंड देन एक कॉलम आगे गए। अगर हम वैलिड रो में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम इनवैलिड रो में लैंड करते हैं, मतलब कि टी आर माइनस 1 अगर है, तो उस केस में टी आर को एन माइनस 1 कर देंगे, लास्ट रो में चले जाएंगे। सिमिलरली अगर आप कॉलम को अपडेट करने से लास्ट कॉलम में चले, लास्ट कॉलम को भी क्रॉस कर गए, तो फिर आप क्या करेंगे कि 0 नंबर कॉलम में आ जाएंगे। अगर एरे के टेम्प्रेरी रो और टेम्प्रेरी कॉलम जो हमने अपडेट किया है वहां पे 0 नहीं है, तो 0 नहीं है इसका मतलब ये होता है कि वहां पे पहले से नंबर प्लेस है, तो आप क्या करेंगे कि रो को अपडेट कर दीजिए आर प्लस 1 से और कॉलम सेम कॉलम में एक्स वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। तो हमने क्या किया, ए आर प्लस 1 और सी इज इक्वल टू एक्स एंड रो को अपडेट कर दीजिए आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, क्योंकि अब नेक्स्ट नंबर जो प्लेस होगा उसके लिए रेफरेंस जो होगा वो अपडेटेड रो जो यहाँ पे अचीव होगा हम उस पर थ्रो रखेंगे। लेकिन अगर वहां पे ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है तो आप कुछ मत कीजिए, टेम्प्रेरी रो टेम्प्रेरी कॉलम की पोजिशन पे एक्स को इंसर्ट कर दीजिए और रो कॉलम को अपडेट कर दीजिए इन टी आर और टी सी से। फाइन, तो इसी तरह से मेरा एक स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर, और फाइनली हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया है, एक लूप लगाया आउटर लूप जो कि रो वाइज प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक नेस्टेड लूप में जो इनर लूप है वो कॉलम वाइज प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हर एक नंबर को आप डिस्प्ले कर दीजिए ए आई जे नंबर को, और नंबर को डिस्प्ले करने के बाद सेग्रीगेटर एक स्पेस लगा दीजिए, जब पहली रो के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाए तो आप न्यू लाइन में आ जाइए एंड द प्रोग्राम इज डन। सो आइए इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 5 क्रॉस 5 साइज का एक मैजिक स्क्वायर जनरेट करना है, तो आप ये चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने स्पेसेस का यूज किया है, अगर हम टैब्स का यूज करेंगे तो शायद हो सकता है हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए इसको। तो लेट्स से वी आर यूजिंग द टैब स्लैश डी। तो 5 क्रॉस 5 का ये मेरा मैजिक स्क्वायर है। फाइन, तो ये जो मैजिक स्क्वायर हमारा है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी रो का, किसी भी कॉलम का और किसी भी डायगोनल का जो सम होगा वो सेम आएगा।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 3x3 का एक मैट्रिक्स स्क्वायर जनरेट करना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगनल वाइज जो सम है वो 15 है। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, यू कैन टेक 7 और 9, आप अपने सिस्टम पे कोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपके पास कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका जो हम स्क्वायर जनरेट करेंगे, मैजिक स्क्वायर जनरेट करेंगे, तो रो वाइज, कॉलम वाइज एंड डायगनल वाइज सम सेम आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेलकम अगेन विद न्यू कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।